जी अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू अनदर वीडियो वी आर बैक विद मोर लेटेस्ट एंड फो अपडेट्स रिगार्डिंग दी कंस्ट्रक्शन ऑफ़ न्यू हाईटेक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इन इस्लामाबाद अगर थोड़ा सा स्टार्ट में मैं रिकॉप एड करूँ तो लास्ट टाइम जो पिछली वीडियो में अपडेट्स मैंने आपके साथ शेयर की थी अकॉर्डिंग टू दैट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज़ राजा और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की मीटिंग भी हुई उस वक्त सी पंजाब उस्मान बुजदार भी मौजूद थे इस तरह से सी कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ भी बातचीत चलती रही रमीज़ राजा की और उस वक्त तक ये अपडेट्स निकल के आई कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने हदायत सीडीए वाले लैंड प्रोवाइड करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो स्टेडियम कंस्ट्रक्ट करेगा तो अब तक लैंड के सिलसिले में बातचीत चलती रही और रिसेंटली एक बड़ी मीटिंग भी हुई जिसमें स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर इमरान खान नवाज अवान भी मौजूद थे साथ में चेयरमैन सी डी ए कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी आमिर अली अहमद कमिश्नर राहुल पिंडी सैयद गुलजार और वजी मनसूबाबंदी असद उमर भी मौजूद थे और बाकी भी बड़ी शख्सियात मौजूद थी वो मैं सारी आपके साथ डिटेल शेयर कर देता हूँ कि मीटिंग में क्या कुछ डिस्कस हुआ स्टेडियम की कैपेसिटी कितनी होगी इस गौर किया गया किस साइट पे लैंड प्रोवाइड की जाएगी इस पे बातचीत की गई स्टेडियम के डिजाइन और तमाम तरह ये इन्फो इस वीडियो का हिस्सा है तो एंड तक पूरी वीडियो देख लें ताकि आपको अब तक की सारी इन्फो मिल जाए आप अपडेटेड रहे फिर कुछ चीजें हैं जो आने वाली वीडियो में मैं नहीं इंक्लूड करूंगा वैसे तो मैं स्टार्ट में छोटा सा दे देता हूं लेकिन वीडियो के एंड तक जुड़े रहेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए करेगी और बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं कुछ की तो मैं अपडेट शेयर कर चुका हूँ आई नो रफी का मैंने नोटिस कर रखा है उसकी मैं आपके साथ अच्छी वीडियो शेयर करूंगा चलिए आते हैं सीधा लेटेस्ट इंफॉर्मेशन की तरफ चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की मिलती रहे अच्छा कल ही यानी फोरटीन जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू को इस मीटिंग के बारे में एक बड़ा आर्टिकल शायु हुआ डॉन न्यूज़ के न्यूज़पेपर में तो ये तो मैंने आपको सोर्स का बता दिया अक्सर लोग सोर्स पूछते हैं मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और ये आर्टिकल्स भी मैं आपके साथ कम्युनिटी टैब में शेयर कर दूंगा फेसबुक ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा तो आप खुद भी ये रीड कर सकते हैं तो ये मेरी खुद की बातें नहीं है बल्कि मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं सो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ बाकी जब स्टेडियम बनना शुरू होता है वो तो मैं आपके साथ लाइव वीडियोज़ भी शेयर कर देता हूँ अच्छा मीटिंग जिस सिलसिले में थी उसमें बड़ा फोकस लैंड पे था मतलब किस साइड पे लैंड प्रोवाइड की जाए तो आर्टिकल की मेन हाईलाइट सामने आप देख भी सकते हैं जिसमें मेंशन किया गया है सैदपुर प्रोपोज एज साइट फॉर कैपिटल्स फर्स्ट क्रिकेट स्टेडियम यानी इस्लामाबाद की सैदपुर साइड जो है उस साइड पर गौर किया गया है लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया है कि इसके अलावा मज़ीद और साइड्स भी देखी जाएँ और जगह भी देखी जाएँ और जो जगह फाइनल होगी वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान करेंगे यानी जो जो लैंड के लिए अच्छे ऑप्शन होंगे वो पी इमरान खान को दिखा दिए जाएंगे और वही फिर जगह फ़ाइनल करेंगे लेकिन ज़ैर गौर सैदपुर के इलाके को लाया गया है इस पर बातचीत चल रही थी अच्छा मीटिंग जो हुई जिसमें सी डी ए के चेयरमैन भी थे वजी बंदी भी थे और वज़ी अजम के माओन खी भी मौजूद थे कमिश्नर रावल पिंडी सैद गुलजार हुसैन शाह डिप्टी कमिश्नर इस्लाम हमजा शफ़त कैपिटल डेवलपमेंट अथार्टी के मेम्बर इंजीनियर सैद मनोवर शाह भी मौजूद थे और दूसरे सी डी ए के शुरान ने साथ में मौजूदा स्टेडियम का डिज़ाइन शेयर किया जिसे पी सी बीता करेगा और चेयरमैन सी डी ए ने इजलास में मज़ीदी ये बताया कि स्टेडियम को सैदपुर की साइड पर बनाया जा सकता है इस पर जैस मैंने आपको कहा कि इसको ज़ैर गौर लाया गया है और कैपेसिटी के हवाले से मैंशन किया गया जिसमें सिक्सटी थाउजेंड की कैपेसिटी को मैंशन किया गया जो लोग बहुत पूछ रहे थे डिज़ाइन के बारे में कैपेसिटी के बारे में तो मैंने आपसे कहा हुआ है जो जो अपडेट्स निकल के आती रहेंगी वो मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँगा सो तो ये मीटिंग सिर्फ हुई इसमें अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ कुछ जगह डिस्कस की गई कुछ जगहों को देखा गया कैपेसिटी के बारे में सिक्सटी थाउजेंड मैंशन किया गया डिज़ाइन भी शेयर किया गया सो जो चीज़ें फ़ाइनल हो जाएंगी वो फिर मैं आपको टाइम के साथ साथ अपडेट कर दूँगा अभी तक मतलब जो डिस्कशन हो रही हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये ये चल रहा है इसके अलावा जरा ने बताया कि शुराकार ने स्टेडियम के डिज़ाइन को सराहा जो कि अभी तक शेयर नहीं किया गया जब डिज़ाइन फाइनल हो जाएगा वो तो ऑब्वियसली फिर पब्लिक के लिए भी बता देते हैं शेयर कर देते हैं और सिक्सटी की कपेसिटी को डिस्कस किया गया तो ऑब्वियसली मेरे ख्याल से तो डबल टीयर हो सकता है चले एटलीस्ट इतनी डिस्कशन वगैरह चल रही हैं और सिक्सटी की कपेसिटी को मैंशन किया जा रहा है इस पे तो लाइक बनता है और यकीन ये अच्छा होगा अगर इतनी फिफ्टी प्लस की कपेसिटी का स्टेडियम बन जाए क्योंकि कैपिटल सिटी है इस्लामबाद में हर जगह से लोग ते हैं मिनिस्टर बंदी असद उमर ने सी डी ए को हिदायत की वो कुछ दीगर मकामात भी तलाश करें और कंसल्टेंट से अपडेट्स लें ज़राए का कहना है कि यह फैसला किया गया है कि सी डी ए एक और जगह तलाश करेगा जिसके बाद दोनों साइटों के साथ डिजाइन कोजम इमरान खान को पेश किया जाएगा स्पेशल असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अली नवाज़ ने डॉन न्यूज को बताया की आज इजलास को सैदपुर के इलाके में मौजूदा स्टेडियम मनसूबे पर ब्रीफिंग दी गई उन्होंने ये भी कहा मैंशन किया की अभी कुछ भी हतमी नहीं है फाइनल नहीं हुआ बल्कि ये फैसला किया गया है कि किसी जगह को हतमी शक्ल देने से पहले मजीद साइटों को भी देखा जाएगा प्राइम मिनिस्टर की हिदायत पर सी डी ए और पी सी बी इंटरनेशनल स्टेडियम की तमीर करेंगे सी डी ए ज़मीन फ़राहम करेगा और पी सी बीता करेगा जो मैंने आपको बता दिया गुजतः जुमा पी सी बी के चेयरमैन रमीज़ राजा और सी डी ए के चेयरमैन ने मीटिंग की ये मैंने आपको मैंशन कर दिया और फ़ैसला किया कि दोनों इदारे मुश्तरक मनसूबे के ज़रिए हाई टेक स्टेडियम तमीर करेंगे दोनों तनजीमों ने 2012 में आपको याद होगा जो मैंने आपके साथ स्टार्ट में एक वीडियो शेयर की थी जो प्रोजेक्ट कैंसिल हुआ था शक्रपड़िया की साइड पे जो डिसाइड हो रहा था वो अंडर कंसिड्रेशन था कंसिडर किया जा रहा था 2012 में स्टेडियम की तमीर के लिए भी हाथ में लाया था पी के साथ सी ने लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दो में उस मनसूबे को ख़त्म कर दिया था क्योंकि ये शगरपड़िया में तामीर किया जा रहा था जो कि नेशनल पार्क के इलाके में किया जा रहा था जिसकी वजह से इन्वॉर्मेंटल इश्यूज़ भी बन रहे थे जी बिल्कुल इस्लामाबाद में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम को लेकर पहले भी काफी फैसले होते रहे हाउसिंग सोसाइटी की तरफ से भी मेंशन करते रहे लेकिन अभी तक कोई भी ऐसे हाईटेक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे स्टेडियम नहीं बन पाया और अब ये फिर से एक कोशिश की जा रही है और पी के चेयरमैन रमीज राजा हैं तो उम्मीद की जा सकती है इस्लामाबाद में इंटरनेशनल स्टेडियम की तमीर का फैसला चेयरमैन पी रमीज राजा और वजी अजम इमरान खान के दरमियान होने वाली मुलाकात में किया गया और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खुद भी नोटिस ले रहे हैं तो कुछ अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं पी के एक अहदेदार ने डॉन को बताया कि पाकिस्तान 2025 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करने जा रहा है तो पीसीबी की पूरी कोशिश है कि इस्लामाबाद में कुछ मैचों की मेजबानी के लिए स्टेडियम को जल्द से जल्द जल्दी करें और सी के ए में मजूजा लैंड फुल साइड पर भी तबादला किया गया जो कि एक और प्रोजेक्ट के बारे में कुछ डिस्कशन हुई साथ में श्रीनगर हाईवे के बारे में भी डिस्कशन हुई लेकिन इस्लामाबाद क्रिकेट स्टेडियम हमारा फोकस था और उसकी तमीर के हवाले से बताया कि इसे एक साल के अंदर मुकम्मल हो जाएगा ये मैंशन किया गया लेकिन मुश्किल है एक साल में तो मुझे नहीं लगता बट कह रहे थे और वो आपको भी बताया स्टार्ट में ये लोग ऐसे मैंशन करते हैं लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं कि कोई प्रोजेक्ट उसका टाइम जितना बताया उसी में कम्प्लीट किया हो बट लेट्स कि प्रोजेक्ट शुरू होता है तो किसी भी इस पर पे किस पेस के साथ काम करता है और कितने टाइम में इसे कम्प्लीट करता है लेकिन अभी शुरू तो हो जाए एटलीस्ट क्योंकि आज तक जितनी भी मीटिंग्स वगैरह चलती रही हैं उसमें ये 2012 में जो डिसाइड किया जा रहा था इसका केस काफ़ी आगे तक पहुंच गया था इस पर तो आलमोस्ट कंस्ट्रक्शन भी शुरू होने वाली थी लेकिन वो फिर कैंसिल हो गया अब बाकी भी जगह हैं वैसे जैसे मैंने पिछली वीडियो में एक मेंशन किया था कि जो हमारे क्लब लेवल के क्रिकेट ग्राउंड्स हैं डायमंड क्रिकेट ग्राउंड और इस तरह से क्लब क्रिकेट स्टेडियम तो उनको भी फोकस किया जा सकता है इस तरह से मारगना हिल्स पे देखा जा सकता है लेकिन वहाँ पे ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर का इशू हो सकता है बट आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में जो इस्लामाबाद के लोग देख रहे हैं वो अच्छी जगह मेंशन कर सकते हैं जगह के वाले से अगर आप कहते हैं तो मैं अच्छी सी एक वीडियो बना दूँगा उसमें मैं आपको अच्छी अच्छी जगह सजेस्ट भी कर दूँगा मैंने पूरा एक मैप है मेरे पास तो उसमें मैं अच्छे से आपको बता सकता हूँ सो so अब तक यहाँ तक अपडेट्स आ चुकी हैं और जो मजीद स्टेप्स लिए जाएंगे जो जो जन्फॉर्मेशन आती रहेंगी वो मैं आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करता जाऊँगा अगर आप कुछ अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं बी ऑनस्ट मुझे खुद ही सैदपुर के इलाके का पता नहीं है अभी मैं जाके देखूंगा कि ये कैसी जगह है बाकी जो इस्लामाबाद के लोग हैं उन्हें तो पता होगा जिन्होंने विजिट किया होगा तो अपना एक्सपीरियंस वो भी शेयर कीजिएगा और ऑब्वियसली ऐसी जगह पे डिज़ाइन करेंगे ऐसी जगह पे बनाएंगे जो कि खुला हो और वहाँ पे पार्किंग तमाम तरह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जा सके स्टेडियम के लिए सो so, उम्मीद है कि अब तक ये अपडेट्स आपको अच्छी लगी होंगी और मज़दीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ स्टीन रही है सोशल मीडिया हैंडल्स पर आके फॉलो कर लें वहाँ पर भी आप मैसेज कर सकते हैं मैं ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा तो इस वीडियो के लिए इतना ही इन फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो या अपडेट के साथ अपना ख्याल रखिएगा टेक केयर अल्लाह हाफिज़